भाई, और बारिश सब भी कुछ 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 बूंदे चलती रहती है। पता नहीं किस किस टाइप के बच्चे थे, मैंने तो फोन GoPro भी बाहर नहीं निकाला। 3-4 दिन शायद ऐसे ही रहेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भाई। आज हमारी कावड़ यात्रा का 34वां दिन, और परसों शाम से इस रूम में रुके हुए हैं भाई हम। तो अब है हमारी चलने की तैयारी, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो भाई ऐसे तो बैठे रह नहीं सकते, तो अब चलेंगे। पूरे रूम में पानी पूनी, बारिश ही चल रही थी भाई। हमने कावड़ की आरती वगैरह कर दी है भाई, नहा धो के रेडी हो के टिंको अभी फ्रेश व्रेश हो रहा है भाई, फिर चलेंगे। देखो शायद अब चलें तो कुछ अच्छा मौसम कर दे शिव भोलेनाथ, कृपा बरसा दे भाई, क्या बताऊँ। लेकिन भाई खतरनाक ठंडी हवाएं, बारिश, सुपर भाई सुपर। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव की दुआ कीजिए कि मौसम अच्छा रहे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओह भाई खतरनाक, मौसम ने तो भाई सब कुछ अभी 3-4 दिन शायद ऐसे ही रहेगा। जय भोलेनाथ। तो भाई छतरी उड़ने को हो रही है भाई, तूफान चल रहा है। एक बार तो रुक जाती है, एकदम तूफान आता भाई, एकदम मतलब हवा इतनी तेज, देखो हिल रही है छतरी। अब पुल के नीचे आए हैं, थोड़ा सा कम है भाई। जय भोलेनाथ। देखो भाई पानी भर गया, सब सोयाबीन सब कुछ डूब चुका है भाई। लो भाई बारिश चली रही है दोबारा से, फिर से तेज आ चुकी है। और हमें यहाँ अंदर से एक आगे रोड लेना होता है, तो हमको यहीं विक्रम भाई साहब, विक्रम चावड़ा जी, विक्रम चावड़ा जी मिले हैं। ये बोले कि हम छोड़ देते हैं वहाँ तक रास्ते तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भाई ऐसे मौसम में मैप निकाल के तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि बारिश आ रही है बार बार, तो फ़ोन को बाहर निकाल नहीं सकते। और सब बढ़िया जी? ये कौन सी जगह है, धार ही है ना? ये धार का कलेक्टर ऑफिस है। अच्छा कलेक्टर ऑफिस है भाई, जो ये पीछे आप बता रहे थे ये वाला है। हाँ हाँ, वो कार्यालय है कलेक्टर जिला अध्यक्ष भाई। लेकिन बारिश बारिश तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है ना। रात से परसों रात से तक चालू हुई थी, कल दिन भर चला और अभी चालू है। देख लो भाई बता रहे कि 2-3 दिन, दो मैं आया हूँ जो भी, मतलब जहाँ जा रहे हैं बारिश हो ही जा रही है। देख लो भाई मौसम अच्छा भी है लेकिन स्पीड से नहीं चला जाता। तो भाई भोलेनाथ की मर्जी, हर हर महादेव। लो भाई अंकल जी ने एक डरावनी बात बताई है कि 20 किलोमीटर आगे 20 किलोमीटर का जंगल आएगा, तो वहाँ जानवर देखा था क्या? ऐसा लगता है चीता वगैरह। हाँ तो वहाँ भी जानवर रहते हैं भाई, और आसपास लोग रहते हैं उनसे पूछ। तो भाई सही बात है, ये बात पहले अलर्ट कर दिया कि भाई दोनों बंदे साथ में रहना, बाइक वाले को अपने साथ रखना जब तक वो घाट उतर जाए पूरी तरह से नीचे। हाँ जी हाँ जी। लो भाई चलो, घाट का एरिया है, जंगल का है। हाँ जी हाँ जी, पैदल चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। लो भाई चलो, ये भी कुछ सुविधा हुई मिले इस बहाने, पता चल गया भाई, क्या बता के ले चले, बाइक पीछे रह जाती और कुछ होता। हाँ, तो भोलेनाथ सब सुनते हैं, किसी न किसी रूप में भेज देते हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जी, सही बात है जी। बारिश का मौसम और अब तो लोग भी कम चल रहे हैं रोड पे, तो कम चल रहे पशु पक्षी भी, पशु भी कम चल रहे हैं बाहर निकलने के लिए। हाँ जी। तो भाई देखो छतरी कैसे रेडी हो गई बिल्कुल, और तूफान देखो। जय भोलेनाथ, हवा इतनी तेज आ रही है पूछो मत। मांडू 32 महेश्वर 68 मुंबई 574 भाई। अब ये स्टेट हाईवे 31 मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे है भाई ये, और इस पे दिखा रहा है कि 44 किलोमीटर तक सीधा जाना है। 44, जय भोलेनाथ भाई। रेनकोट नहीं लाई, इसका पछतावा बहुत है। मैंने सोचा डाल लिया, 3-4 दिन बाद पता चला कि 4 दिन क्या साला सर से भी आगे आए, जब
बारिश आई, क्योंकि मैंने सोचा डाल लिया होगा। सो सेट लो भाई, बारिश बंद हो चुकी है, एक अच्छा सुकून मिला है भाई, हवा चल रही है। बारिश में पूरा भीग चुका था, कपड़े बिल्कुल भीग चुके थे, रेनकोट है नहीं भाई। रेनकोट के लिए कहा था लेकिन भूल गए थे भाई, अगर आगे कहीं मिलेगा तो देखेंगे, क्योंकि हालत कपड़े भीग के। अब हवाएं चल रही है बहुत तेज, देखो। ओह जय श्री शंभु। फिलहाल ये मौसम सुपर है, बिल्कुल सुपर है। अब आगे घाट आएंगे जो अंकल बता रहे थे भाई, जंगली टाइप एरिया आएगा, तो चलते रहते हैं। जहाँ पे रुकना है वो हमने निकाल दिए हैं, 13 किलोमीटर भाई। और अभी टाइम हुआ है 10 बजे हैं भाई अभी, तो 5, 6, 7 अगर मौसम ऐसे रहे तो शाम को 6 बजे तक शायद पहुंच जाएं भाई, क्योंकि पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मौसम अगर रात को ख़राब होता है तो रात को ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे परसों रात को हुई थी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई। 13-14 किलोमीटर निकालने के बाद टाइम हो चुका है 10:15 हो गए भाई, और अभी पियेंगे चाय। और ये मिले हैं जी, कहाँ जा रहे हो? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जा रहे हैं भाई, ये भी यात्रा कर रहे हैं आज। इनको कितने दिन हो गया? 3 दिन। 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर निकालते हैं हर रोज। कितने निकालते हो? 50 निकालते हो भाई, हमारे वाली एवरेज है, भगत जी की भी। और यहाँ से कितना रहता है? 90 यहाँ से प्रसाद डिग्री पड़ेगा। हाँ, 50 डिग्री से 90 से ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे, लगभग 150 किलोमीटर के राउंड रहता है। 150 किलोमीटर रोड रहता है भाई। ये भी 3 दिन में ही पहुँचेंगे भाई वहाँ तक। जय बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी। ये देखो भाई सामने आ रहे हैं पहाड़, वहाँ पे घाट स्टार्ट हो जाएंगे भाई, मतलब घाटियाँ। ये टिंकू बाइक को 2-4 किलोमीटर आगे पीछे रोकता रहता है भाई इतने। और ये भगत जी मिल गए थे जो ओमकारेश्वर की यात्रा कर रहे हैं, आपने फोटो में देखा था भाई, ये भी मेरे साथ ही चल रहे हैं। बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, मतलब फुहार चलने में क्या आनंद आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। शायद गोप्रो में आपको वो पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वहाँ से घाट आएगा भाई, घाट को पार करना आता है 15 से 20 किलोमीटर का घाट आता है, वो क्रॉस किया और निकल जाएंगे बाहर। जय भोलेनाथ। देख लो भाई पानी है रोड पे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। लव है गाड़ी आई है भगवान करिए कृपा, लव है गाड़ी वाले सारे चिट्टे मार के जावे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप एक हमारा कदे भी गाड़ी ले आवेंगे, कोई यात्रा करता होगा तो उसका तो जमाए नहीं। लव क्रॉस, वो देखो भाई भगत जी जो ओमकारेश्वर जावे हैं। पाँव में दर्द हो गया भाई, पानी से निकल दे, पाँव में दर्द हो जाता है क्योंकि ठंडा पानी हुआ है। जय भोलेनाथ। घर देखो भाई, कच्चे मकान है यहाँ पे, जितने आपको कच्चे मकान मिलेंगे। ले भाई ये आदिवासी इलाके, ये बारिश से आ रही है, ये नदी भाई बारिश से आ रही है। पता नहीं किस किस टाइप के बच्चे थे, मैंने तो फ़ोन गोप्रो भी बाहर नहीं निकाला, मतलब डर ही लग रहा था कि कौन सा सब आदिवासी टाइप के हैं यहाँ पे, सभी आदिवासी हैं टाइप क्या। देखो बारिश से मछलियाँ पड़ रही हैं। लो भाई अभी खाएंगे, ये क्या सीताफल है ना? हाँ। ये खाएंगे सीताफल, दिखाइए भाई। ये पका हुआ बता रहे, ये ऐसे कैसे हो रहा है? ये अच्छे है, वो पका हुआ है ऐसे होता है ये?
ये बता रहे भाई अपने आप पक जाता है और अभी कच्चे है, ये एक ही पका हुआ है भाई, ये खाएंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सीता का सीताफल। हाँ, सीता का सीताफल भाई। सीता ने लो भाई, पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं भाई। यहाँ से घाट स्टार्ट हो जाते हैं, शायद 10-15 किलोमीटर का घाट होगा भाई। नीचे जाते हैं, घाटियाँ बोलते हैं जिनको, घाट जो ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा भाई, घाट आते हैं। गुजरात में भी है घाट बहुत सारे, पहाड़ों के बीच में से। सभी अपने काम लगे, छोटी छोटी दुकानें हैं भाई, बिल्कुल मतलब गाड़ी से आते हैं जब तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, और मैं बाइक से आया था जब भी मतलब बहुत चीज़ें देखी थी भाई, बाइक से भी सब कुछ दिखाई देता है, जहां मर्जी मन किया रोक के अपने देखा हर चीज़ को पास से। और पैदल तो भाई हर एक चीज़ को 5 मिनट तक देख सकते हो, सामने दिखाई देगी देखते देखते। देखो भाई बकरियाँ आ रही हैं, चराने वाले घूम रहे हैं, मतलब गांव की असली फीलिंग तो यहाँ पे ही आती है भाई, जो मतलब जो प्योर देसी गांव होते हैं, अपने हरियाणा में भी शायद नहीं बचे होंगे, यहाँ पे ही है आदिवासी वाली। ये है भाई जामन घाटी, 2 किलोमीटर है जामन घाटी हमारे यहाँ से, जो नीचे घाट में होती है उसको घाटी बोलते हैं भाई, ढलान पर होती है जामन घाटी। अपनी लेन में चलें, ये देखे भाई एक ताऊ जी हैं अपनी बकरियों को लेके। क्या कौन पेट का क्या नाम है? मव्वा ना? हाँ। लो भाई ये रहे मव्वा के पेट, ओरिजिनल शराब इससे बनाई जाती है भाई, और मव्वा के पेट दीपावली के होली के बाद उसके फूल गिरते हैं। लो भाई होली के बाद, होली के बाद, होली के बाद इसके फूल गिरते हैं भाई, इससे बनती है ओरिजिनल। पहले भी गिरते हैं कोई कोई अमुक। ले भाई अभी बैठ के खाएंगे मक्का। अरे देखो भाई छोटा सा झरना चल रहा है, ऊपर से आ रहा है झरने का पानी, गौ माता चल रही है और मौसम है ओसम सुपर। नहीं ये देखो भाई सीताफल के पेड़ कितने लगे हुए हैं, सीताफल पकने के बाद दीपावली पे ये पूरे पक जाते हैं भाई। ये आम का पेड़ मतलब पूरा जंगली एरिया पेड़ों से घिरा हुआ है भाई, मस्त मज़ेदार। हेलो भाई, ये भगत जी मिल गए थे, और हमारा रास्ता रहता है 15 किलोमीटर बाद ये दूसरी साइड चले जाएंगे, मैं दूसरी साइड चला जाऊंगा, अभी चल रहे जंगल के एरिया में भाई। ये जंगल एरिया पहले आदिवासी एरिया था, अब जंगल एरिया है ना। अब देखो भाई बारिश कुछ कुछ आ रही है, तो कभी छतरी का यूज कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते, लेकिन मौसम अच्छा है वैसे। मौसम तो बहुत आनंद ही आनंद। हाँ आज आनंद ही आनंद है भाई, तो मौसम बढ़िया है, कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन पूरा ये देखो जंगली जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ, बस मौसम ने आज मजा दे रखा है भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हाँ जी, हाँ झाबुआ एरिया का मैं हूँ। हाँ, और आप हरियाणा के हो बाबजी? हाँ जी। हाँ, ये देखा भाई मैं, हम धार मिल गए थे, मतलब भोलेनाथ मिलाने वाले। ये भी कहाँ जा रहे हो? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जा रहे हैं भाई, तो 15 किलोमीटर तक सेम रास्ता है, उसके बाद अलग होगा, जंगली एरिया दोनों ने मिलके क्रॉस कर लिया। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। लो भाई यहाँ पे डैम टाइप बनाना था लेकिन ये कैंसिल हो चुका भाई, पहले गांव थे ना नीचे। हाँ, अंदर गांव था, टूट गया। टूट गया है? टूट गया, बना रहे थे भाई यहाँ से, टूट गया। देखो मुख्यमंत्री भी आ गए, सब सारे लोग आए और एलान कर दिया, रोड जाम था, एएसएल में लेट हो गया थे। हाँ पहले गांव बसता था लेकिन उनको हटा के यहाँ पे ये डैम बनाना था, लेकिन ये नहीं रुका भाई, फिर से डिबल से बन, दोबारा तैयारियाँ चल रही है। तो भाई शाम के 6:30 हो चुके हैं भाई, और बारिश सब भी कुछ बूंदे चलती रहती है। तो ये देखो हाईवे भाई, हाईवे पे आ चुके हैं भाई, अब औरंगाबाद तक शायद ये हाईवे रहेगा भाई, औरंगाबाद तक
350 किलोमीटर तक हाईवे चलेगा भाई। जय भोलेनाथ, अभी हमारा स्टे का आ जाएगा आज 53 किलोमीटर हो जाएगी भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद। 53 नहीं मतलब बाइक से घूम के आना, हाँ 50 से प्लस ही हो जाएगी भाई, गाड़ी में दिखा रहा था तो इस साइड टर्न करना पड़ता तो भाई 50 प्लस होगी आज भी। जय भोलेनाथ। आज का हमारा स्टे होगा भाई यहाँ पे, ये होटल है भाई, होटल प्लस रिजोर्ट है भाई। देखो भाई ये है होटल घनश्याम फैमिली रेस्टोरेंट। देखो भाई ये होटल वहाँ से लेके, और यहाँ तो पूरा बड़ा है भाई। यहाँ जा रहा हूँ, टिंकू बाइक लेके आगे गया भाई, रूम वूम इनके वहाँ पे है भाई, क्योंकि सबसे सेफली भाई जितनी बार भी टूर पे आता था रूम वूम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कावड़ को सेफ रखना, मतलब सुबह नहा धो के फ्रेश होके कावड़ उठानी पड़ती है, तो भाई ऐसी जगह चाहिएगी, ये नहीं उठा और सीधा चल दिया भाई। तो जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखें, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ भाई, टाइम हो चुका है 7 ही बजने वाले हैं और धार डिस्ट्रिक्ट में पलास होटल में पहुंचे हैं भाई हम, और आज का स्टे हमारा यहीं पे होगा भाई। और ये हमारे बंटी भाई, जय भोलेनाथ भाई। जय भोलेनाथ, कैसे हो जी? बस बढ़िया है। ये हमारे अंकुर चौहान भाई। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ भाई, आज भाइयों के पास स्टे है और बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब मैं बोला भाई बैठ के बात करेंगे क्योंकि बात किए बहुत दिन हो जाते हैं, मतलब अकेले चलता हूँ। और सब बढ़िया जी? सब बढ़िया जी। मौसम तो आपने खतरनाक करवा रखा है। ये तो भोले बाबा की कृपा है। हाँ जी, सही बात है जी। भोले बाबा आए हो तो धूप भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए मौसम ठंडा हो रखा है। अब आप निकल रहे हो तो बिल्कुल एक नंबर की ये बात सही है, मतलब ज्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए भाई, ये मौसम अच्छा है। लेकिन आज तो बारिश नहीं हुई इतनी, है ना? बस मौसम अच्छा है, ठंडा है, बस आप लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं, ज्यादा धूप होगी आपको परेशानी है, भोले बाबा सब देख के चल रहे हैं। ठीक है ठीक है, ये बात है। जैसे कल एक ने कमेंट किया था भाई एक दिन का रेस्ट करवाना था, वैसे ही ये बात भाई बोल रहे हैं अंकुर की भाई, रेस्ट हो जाए और चलते हुए अच्छा मौसम रहे इसलिए। तो जय भोलेनाथ भाई। ले भाई रुके हुए हैं, पंखा भी बंद ही कर दिया है, पंखा पहले चलाने का मन था लेकिन बुखार वाली दिक्कत, मतलब ये लग रहा है कि हो ना जाए, डर है इस चीज़ का क्योंकि बारिश ऊपर से गिर रही है, बारिश में चलते 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 तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है, ठंडा पानी पूरा दिन गिरता है पाँव पे, ठंडा पानी पूरा दिन। तो भैया भाई आएगा, खाना खाना खा के और सो जाएंगे, कल सुबह चल पड़ेंगे। जय भोलेनाथ। ले भाई अपनी सब्जी रोटी दाल, सिंपल अपनी हर रोज़ दाल मंगवाया करा, अपना सलाद प्याज की खा के फिर सोए भाई, आज तो बोल लेनी पड़ेगी, बुखार सा चला।